नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट है और प्लॉट का साइज 2000 मीटर का है और प्लॉट ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व मुखी है और प्लॉट के साउथ ईस्ट के भाग में टी पॉइंट आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे प्लॉट में क्या उन्हें फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी जिस भी प्लॉट के साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल से टी पॉइंट आता है और सामने मेन गेट लगा दिया जाता है तो ऐसा प्लॉट हमेशा ही वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है, क्योंकि जब प्लॉट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो प्लॉट में जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो चारों तरफ से ओपन एरिया छोड़कर बीच के भाग में बिल्डिंग को बनाया जाता है और ऐसे प्लॉट में हमेशा ही दो गेट लगाए जाते हैं। एक गेट साउथ ईस्ट के भाग में आता है तो दूसरा गेट नॉर्थ ईस्ट के भाग में आता है। गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से कभी भी गेट को बंद नहीं किया जाता, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे प्लॉट में अपनी फैक्ट्री को नहीं लगाना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट के भाग में टी पॉइंट आता है तो ऐसी जगह काम करने वालों को हमेशा ही नुकसान मिलता है, कर्ज बढ़ता रहता है और धीरे धीरे करके गरीबी का सामना करना पड़ता है, यानी कर्ज इतना बढ़ जाता है, लोन इतना ले लिया जाता है कि वो लोन उतरने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि काम अच्छा नहीं चलता। जब काम अच्छा नहीं चलेगा तो जितना पैसा आपने बाहर मार्केट से उठाया है या बैंक से लोन लिया है वो पैसा आपका वापस नहीं जाता, कहीं ना कहीं आप घाटे में चले ही जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपको ये प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जाती है। ऐसी जगह में आग लगने का भी खतरा बना रहता है, दुर्घटना होने के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका अपना जो प्लॉट है और प्लॉट के साउथ ईस्ट के भाग में टी पॉइंट आता है तो आप ऐसे प्लॉट में अपनी फैक्ट्री ना लगाएं। यदि आपने अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है और आपकी अपनी मजबूरी है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने इस गेट को, जो गेट आपका साउथ ईस्ट के भाग में टी पॉइंट पर आता है, यहाँ पर आप दीवार लगाकर इस एरिया को कम्प्लीट बंद कर दें। यहाँ पर जब आप दीवार लगाएं तो जो दीवार आपकी ईस्ट की है यानी ईस्ट की दीवार आपकी 9 इंच की है तो ये दीवार भी आपकी कम्प्लीट 9 इंच की आएगी और इसको कम्प्लीट बंद करें। और एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है तो बड़ी फैक्ट्री में दो गेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने दूसरा गेट कहाँ लगाना है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर एक गेट ये लगाएं, दूसरा गेट आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। यदि मजबूरी है कि गेट को साउथ ईस्ट के भाग की ओर ही लगाना है तो टी पॉइंट को छोड़कर जहाँ तक आपका टी पॉइंट का हिस्सा आता है, जो गली की टक्कर आती है, रोड आती है, उस टी पॉइंट से लगभग 10 फीट का एरिया छोड़कर उसके बाद आप अपना एक मेन गेट लगा सकते हैं। है तो ये गेट गलत, लेकिन इस गेट से तो बहुत अच्छा गेट है ये। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट के गेट को बंद करके एक गेट ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ बनाएं ताकि आपका टी पॉइंट बच जाए। आप अपने यहाँ पर जब फैक्ट्री लगाएं तो फैक्ट्री लगाने के बाद आपने जो मेन गेट इस्तेमाल करना है वो मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल करना है। इसमें भी आपने ध्यान रखना है, जो आपका मेन गेट नॉर्थ ईस्ट का लगेगा और दूसरा गेट आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में लगेगा, ईस्ट साउथ ईस्ट के मेन गेट से नॉर्थ ईस्ट का गेट चौड़ाई में बड़ा होना चाहिए, वजन में हल्का होना चाहिए, जाली वाला होना चाहिए। इसी के साथ जो आपके अपनी बाउंड्री वाल बनेगी, बाउंड्री वाल की जितनी ऊंचाई बनती है उस ऊंचाई के बराबर ही आपका मेन गेट होना चाहिए। यदि उससे ऊंचा आपका मेन गेट बनता है तो आपकी फैक्ट्री चलने में दिक्कत आएगी। इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप अपना मेन गेट बनाएं तो मेन गेट आपका आगे या पीछे की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपका मेन गेट आगे पीछे की ओर झुका होगा तो आपका काम भी ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए मेन गेट जब भी लगाएं तो मेन गेट आपका बिल्कुल सीधा और सॉल में लगना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, जो आपके मेन गेट के पिलर बनेंगे,
पिलर भी आपकी चार दीवारी के लेवल के बराबर ही होने चाहिए, यानी जो आपकी चार दीवारी है। ये मान लीजिए आपकी दीवार 9 इंच की है तो आपका पिलर भी 9 इंच का ही होना चाहिए। लंबाई में दीवार के लेवल में आप इसको 18 इंच का या 24 इंच का तो ले सकते हैं, लेकिन दीवार से बाहर अंदर की ओर या बाहर की ओर पिलर को बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ये एज पर वास्तु बिल्कुल गलत हो जाता है, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट्री के गेट हमेशा ही बड़े लगाए जाते हैं ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर आराम से आ जाए। क्योंकि आपके प्लॉट का साइज 2000 मीटर का है तो ऐसे में गाड़ी हमेशा ही फैक्ट्री के अंदर आकर खड़ी होती है और बड़ी बड़ी गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो पिलर बनाने हैं वो पिलर दीवार के लेवल के बराबर ही होने चाहिए। दीवार में ही आप इसको 9 इंच का, 18 इंच का, 24 इंच का या 36 इंच का पिलर लंबा बना सकते हैं, लेकिन दीवार से अंदर की ओर या बाहर की ओर पिलर को नहीं निकालना है। और पिलर की जो ऊंचाई है वो भी आपकी बाउंड्री वॉल की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, इस बात का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। यही आपके यहाँ वास्तुशास्त्र का उपाय है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ कभी भी नुकसान नहीं होगा। क्या करने से? साउथ ईस्ट के भाग में टी पॉइंट को बंद करने से, यानी जो आपका गेट साउथ ईस्ट के भाग में लग रहा है यहाँ पर दीवार लगाकर बंद कर देते हैं तो इस टी पॉइंट का असर बिल्कुल न के बराबर हो जाता है। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपसे भी कहते हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने की जो चार्जेज है वो 11,000 रुपये हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी, चार्जेबल रहेगी। यदि आपकी फैक्ट्री ईस्ट फेसिंग है और उसके साउथ ईस्ट के बाद में टी पॉइंट आता है और आप परेशान हैं और आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है, तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें और अपने परिवार के साथ बैठकर जरूर देखें और मेरी वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर ये बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आपके अपनी साइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे निसंकोच होकर कॉल करके अपनी साइट के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।